आइए, आज एक मैं ऐसे संत की चर्चा कर रहा हूँ जो है तो कबीरपंथी, लेकिन कबीरपंथ से कोसों दूर है। वो संत है रामा शंकर साहेब। रामा शंकर साहेब का प्रवचन खूब होता है, खूब लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छा है और बोलते भी खूब दहाड़ के हैं, लेकिन वो अपने शब्द अपनी बारियों को दुरुपयोग करते हैं। वो है तो कबीरपंथी, लेकिन कबीर साहब से कोसों दूर है। हम भी कबीरपंथी हैं, लेकिन एक कबीरपंथी एक कबीरपंथ की बात करे तो शोभा तो नहीं देता है। लेकिन कबीर साहब कहे हैं कि कहे बिना मोह रही नहीं जाई, अभी रही ले ले कुकुर खाई। कहते हैं कि कहे बिना रह नहीं जाता क्यों, कि जो बिरही रोटी होती है जिसमें दाल भरकर बनाई जाती है, उसे अगर बताया न जाए तो आदमी कुत्तों को बीक देता है। इसलिए इस बात को कहना पड़ता है। रामा शंकर स्वामी, इनके सिद्धांत जो है और इनके सिद्धांत का जो मुख्य विषय है वो तीन है। पहला विषय है कि वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत महाभारत, इन ग्रंथों को ये चमत्कार पखंड या अंधविश्वास मानते हैं। दूसरा सिद्धांत है कि राम कृष्ण को ये महान पुरुष मानने से इनकार करते हैं, इनसे नफरत करते हैं, इनकी निंदा करते हैं। तीसरा है जो ब्राह्मण बिरादरी है उन पंडितों को ये विरोध करते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जो काम पंडित बिरादरी, जो जातिवादी पंडित थे, जो अपने को बड़ा मानते थे दूसरे को छोट मानते थे, ऐसे पंडित जो हजारों बरस से मेहनत करके हार गए, अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, उस काम को रामा शंकर साहेब प्रण लिए अब पूरा करने की। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे ऐसे हो सकता है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि रामा शंकर साहेब कैसे पंडितों का काम पूरा करते हैं। पंडित ये चाहते थे कि नर और छूद्र, छूद्र और नारी जो है ये वेद न पढ़े, वो चाहते थे। जबकि वेद को लिखने में ब्राह्मण क्षत्रिय छूद्र वैश्य नर नारी सभी लोग लिखा, उसमें 296 ऋषि हैं वेद में और 80 देवता है, प्राकृतिक देवता है। तो प्रश्न तो होगा ना कि जब छूद्र वेद लिख सकता है, नारी वेद लिख सकती है, तो कोई ब्राह्मण ये दावा कैसे कर सकता है कि नारी और छूद्र नहीं पढ़ सकते। लेकिन इस बात को आसान करते हैं रामा शंकर साहब। आज ले बहुत लोग वेद को पढ़ लिए, जिसमें कबीर साहेब थे, रविदास थे, तमाम विद्वान जो थे वो छूद्र में, जिसे छूद्र में गिनती होती थी वो भी पढ़ लिए। लेकिन अब इस काम को अधूरा को पूरा करते हैं रामा शंकर साहेब। ये कहते हैं कि वेद पुराण उपनिषद गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें तो सब चमत्कार पाखंड ढोंग भरा हुआ है। आप लोग के पिछले वीडियो में मैं बता भी दिया था कि कबीर साहब वेद पर क्या कहते हैं, ऐसे भरा पूरा है ग्रंथों में। अब दूसरी बात आती है रामकृष्ण पर। पंडित भी रामकृष्ण को नहीं मानते थे, ये बात सोरे आना सत्य है। पंडितों का जो जतवादी पंडित हैं और जो उनका जो धंधा पैसा है वो कर्मकांड है, वो कर्मकांड के बल पे अपना बिजनेस अपना धंधा चलाते थे, उन्हें रामकृष्ण से मतलब नहीं था। तभी तो सद्गुरु कबीर साहब लिखे बीजक में कि रामकृष्ण के छोड़ ही आशा परगुण भय कीर्तन के दासा। सद्गुरु कबीर साहब बीजक में एक विप्रमतीसी रखे हैं। विप्रमतीसी एक विषय है, उसमें 30 गो चौपाई है जो विप्रों पर लिखे हैं। उसमें वो कहते हैं कि रामकृष्ण के छोड़ ही आशा परगुण भय कीर्तन के दासा, कहते हैं राम की मर्यादा, राम का त्याग, राम की ज्ञान, राम के विचार से दूर रखते हैं, कृष्ण के गीता के ज्ञान से उपदेश से ये दूर रखते हैं, ये सिर्फ कर्मकांड कराते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि राम की मर्यादा के विषय में लोग जाने और कृष्ण के गीता के विषय में जाने। ये लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ कर्मकांड कराए, देवी देवता के नाम पर होम हवन करे और उसी से मुक्ति पाए। आज कर्मकांड के खंडन करने वाले खुद कितना होम और हवन करते हैं कबीरपंथी होकर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं रामकृष्ण के छोड़े ही आशा परगुण भय कीर्तन के दासा, कर्म धावे कर्म धिधावे जो मिला सो कर्म बतावे, निष्कर्मी के निंदा कीजिए कर्म करे ताही चित दीजिए।
कहते हैं कि जो कर्म करता है उससे ही पर ये लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, राम कृष्ण को नहीं मानते हैं। लेकिन पंडित होशियार थे, पहले नहीं माने, इधर आकर मान लिए। अब यही काम कबीरपंथी करते हैं, रामा शंकर भी यही काम कराते हैं, जो पंडित चाहते थे कि राम कृष्ण को लोग न माने, नहीं तो गीता का ज्ञान हो जाएगा और राम की मर्यादा का चरित्र का मालूम हो जाएगा। अब यही ये कहते हैं कि राम कृष्ण जो है ये महापुरुष नहीं है। तो दूसरा काम मैंने बता दिया। तीसरा बात, पंडितों का विरोध करना, नफरत फैलाना, ये भी पंडितों का ही काम है। क्योंकि अगर रामा शंकर साहेब पंडितों को विरोध करते रहेंगे तो कोई ये नहीं समझ पाएगा कि रामा शंकर साहेब भी पंडितों के अधूरा काम के पूरा करते हैं। इसलिए हमको विचार करना चाहिए। कबीर साहब अपने बीजक में पंडितों को बताए कि हम सब एक हैं, एक के त्वचा हलमर मुत्रा, एक रुधिर एक गुद्दा, आ एक के बूंद से सृष्टि रचलबा के ब्राह्मण के छुद्दा। वो कहते हैं भाई एक के हाल मल मुत्रा सब, एक के रक्त, एक के हार मास सब शरीर में है, जो छुद्र में है वो ब्राह्मणों में है। तो आप लोग किस तरह से अपने आप को बड़ा मानते हैं और ये लोग छोटे हैं? तो कबीर साहब एकता के सूत्र दिखाते हैं। उन्होंने कहा सहस स्वरूप जो घट घट बोले, वाके चरु तनुपा, वाके नाम का कहिलेगे, वाके बरन रूपा, माटी के घट साज बनाया, नादे बिंद समाना, घट बिंद से क्या नाम धरोगे या महक। तो कबीर साहब एकता के सूत्र बताए और ये बेचारे नफरत के सूत्र बताते हैं कि ब्राह्मण कितने बुढ़े हैं, ब्राह्मण कितना। कहते हैं कि सारे ग्रंथों को ब्राह्मणों ने रचा। अब चलिए हम मान लेते हैं एक अवसर कि सारे ग्रंथ ब्राह्मणों ने रचे, जबकि वेद में साफ है कि सभी वर्ग रचे, लेकिन हम मान लेते हैं कि सभी ग्रंथ ब्राह्मणों रचे। तो बताओ जब ब्राह्मण रचे तो रावण को अभागा दुष्ट क्यों बताए? जब पंडितों ने ग्रंथ रचा तो परशुराम पंडित थे, उन्हें इतना मजाक क्यों लक्ष्मण द्वारा उड़वाए? जब पंडितों ने महाभारत को रचना की तो अश्वत्थामा के बाढ़ छिलवा कर पांच चुड़की बनवा कर और उनकी मरी के निकलवाए? जब पंडितों ने ही ग्रंथ रचा तो दुर्वासा भगवान विष्णु के चक्र से क्यों भागे? जब पंडित सब रचे तो आखिर भागना तो नहीं चाहिए, तो ये तो पंडित को ही तय काम नहीं किए। इसलिए इस बात को विचार करना चाहिए। अब रही बात पंडित, तो पंडित समाज जो है उसमें भी बहुत विद्वान हुए, बहुत ज्ञानी हुए, बहुत विरोध किए, कर्मकांड के विरोध किए, जातिवाद का विरोध किए, छुआछूत के विरोध किए, जिसमें दयानंद सरस्वती हैं और भी तमाम है, अविलास साहेब जो हुए, पंडित कुल में जन्म लिए, लेकिन कितना बड़े काम किए, कबीर पंथ को शिखर पर पहुंचा दिए, एकता के सूत्र में इतना बांधा कि हर बिरादरी के लोग उनके अनुयायी उनके शिष्य बने। बताया जाता है कि मदन साहेब जो बड़ैया गद्दी के स्थापना किए, वो पूरी जमीन एक पंडित के थे और पंडित जी मदन साहेब से चेला बने और पूरी जमीन उनको अर्पण कर दिए और वही पर मदन साहेब बड़ैया कुटी बनाए। अब बताइए जो पूरा जमीन था वो अर्पण कर दिए और वही दुलमपुर साहेब से नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद पचवा पीढ़ी में दुलमपुर साहेब, विवेकपुर साहेब, गुरशरणपुर साहेब और पचवा पीढ़ी में फिर आए प्रकाशपुर साहेब, जो ब्राह्मण थे, जो देश के लिए भी लड़े, क्रांतिकारी भी थे, जो कबीर साहब पर फिल्म बन रहा था गृहस्थी में, जिन तीनों ने जाके मुरारी देसाई से मिलकर और उस फिल्म को बम्बई महाराष्ट्र में रुकवाए। अब ब्राह्मणों तो बहुत उपकार किए, बहुत काम किए, कबीर साहब कबीर पंथ को भी, लेकिन हम सब ब्राह्मणों को एक ही में शान देते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं एक तरफ पंडितों को शिक्षा देते हैं तो एक तरह भी कहते हैं पंडित से कहिए हितकारी, मूर्खन से रहिए झंक मारी। तो जो पंडित चाहते थे कि हम लोग वेद न पढ़े, उस काम को ये कहते हैं वेद न पढ़े। पंडित भी चाहते थे कि राम कृष्ण का कोई महत्व न माने, उनकी महिमा न करे, नहीं तो कर्मकांड नहीं करा पाएंगे हम, आदमी उन्हीं के गुणगान में रहेगा, वही काम ये भी कराते हैं। और पंडितों का विरोध कबीर साहब एकता के सूत्र दिखाते थे और ये विरोध के सूत्र दिखाते हैं ताकि कोई विश्वास भी न करे कि ऐसे पंडितों से इनकी दोस्ती है।
तो ये है रामा शंकर साहिब, इसलिए रामा शंकर साहिब को आप लोग देखें और इनके विचार जो मैंने बताया इस पर ध्यान दें साहिब।